हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और हम देखेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ कल के दिन में 6 फरवरी को अपना प्राइस एक्शन पैटर्न किस तरीके से दिखाएगा, इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे। तो आज के दिन देखेंगे, ठीक है। आज के दिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं हुई है और जो लास्ट ग्रीन कैंडल था उसके अंदर ही सारा मोमेंटम है, तो एक तरीके से यहाँ पे हम लोग को इनसाइड कैंडल मिल रखा है, ठीक है। अभी ये ऊपर की ओर आके यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम करने के बाद देखेंगे, यहाँ पे सेलर ट्राई किया था लेकिन बायर्स ने सेलर को डिफीट किया और अभी यहाँ पे हॉल्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और इसके पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे चलते देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ब्रेकआउट कैंडल बहुत ही स्ट्रांग बनाया है। आप सभी को पता है बहुत ही बड़ा ये शेयर है, जब भी मोमेंटम करता है छोटे छोटे मोमेंटम ज़्यादा ये करता है, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक मोमेंटम हुआ है, लगभग लगभग 2650 से लेके 2950 तक। तो एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही शॉर्ट टर्म में इसके लिए एक मोमेंटम हो चुकी है, तो यहाँ पे ये अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को यहाँ पे हॉल्ट कर रहा है। तो अगर ये जिस तरीके से बहुत बड़ा कैंडल बना है, ठीक है, किसी भी कंडीशन में ये अगर इसका 50% 60% से ज़्यादा नीचे आके यहाँ पे ट्रेड करने लगता है तो ये थोड़ा बियरिश हो जाएगा एंड ऐसे सिचुएशन में इसको फिर से इन लेवल्स को ब्रेक करने में ज़्यादा टाइम यहाँ पे देखने को लग सकता है, ठीक है। लेकिन अगर इसके ऊपर ही कहीं 50% के ऊपर ही कहीं ट्रेड करता है और आने वाले समय में यहाँ पे एक ऐसा चैनल पैटर्न या फिर इन लेवल्स को ये जो हाई ब्रेक किया 2850 2814 लेवल से ही सपोर्ट लेके ऊपर की ओर जाता है और यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न करके इसको ब्रेक करता है तो हम लोग को ऊपर का टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर हम लोग यहीं पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलेंगे और यहाँ पे देखते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आने के बाद ये इस तरीके से रुक रहा है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे रुका हुआ है। तो अभी यहाँ पे क्या है, अगर ये इन लेवल्स को ब्रेक करता है तो ये ट्रेंड लाइन नहीं, लगभग 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 2840 का लेवल इसको अगर ये ब्रेक करेगा तो सीधे लगभग लगभग 2810 के आसपास आके ये ट्रेड करने लगेगा और ये इन लेवल्स के आसपास आके फिर यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा एंड उसके बाद डिसाइड करेगा किस ओर जाना है, क्योंकि जो इसके बाद का जो सपोर्ट है वो 2780 के आसपास है, 2770 के आसपास है। तो यहाँ पे अगर दो तीन कैंडल रुकने के बाद फिर से ब्रेक करता है अपना लो तो इन लेवल्स के आसपास 2780 70 के आसपास ये बाउंस बैक देने की कोशिश करेगा, क्योंकि तब तक एक अच्छा खासा नीचे की ओर स्ट्रेच हो चुका होगा ऑलरेडी, समझ रहे हैं। और फिर यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। अगर ऊपर की बात करेंगे तो ऊपर अभी देखेंगे 2950 का लेवल इंटैक्ट है और यहाँ पे 1 2 3 टाइम इसको जाके ब्रेक करने की कोशिश किया है। तो अगेन अगर इन लेवल्स के आसपास जाता है और वन में मान लेते हैं मार्केट यहीं पे ओपन होता है और यहाँ जाके यहाँ पे एक दो कैंडल अभी स्पेंड करना चाहिए, क्यों स्पेंड करना चाहिए टाइम, क्योंकि थोड़ा नीचे से जा रहा है ब्रेक करने। अगर इनके आसपास क्लोजिंग मिलती है, अगर यहीं से ब्रेक करता तो अच्छे से ब्रेक करके ऊपर की ओर निकल जाता, लेकिन जिस लेवल पे ओपन होगा थोड़ा नीचे होगा, ठीक है। तब तक यहाँ पे जब तक जाएगा तब तक एक अच्छी मोमेंटम जा चुकी होगी, इसीलिए एक एक कैंडल दो कैंडल यहाँ पे बनाने के बाद भी अगर ये ब्रेक करता है तो ऊपर वाला जो लेवल है 3000 राउंड लेवल हमारे पास पास है, ठीक है, इसके आसपास ये जा सकता है और ये हम लोग को टारगेट दिखा सकता है। और मान लेते हैं यहाँ पे गया, इन लेवल्स को टच किया, टच करने के बाद एक कैंडल यहाँ पे बना के उसका लो ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि फिर से इसी बीच आके ये क्लोजिंग दे दे। अदरवाइज यहाँ पे एक दो कैंडल बनाने के बाद ऊपर की ओर अगर ये ब्रेक करेगा तो ऊपर का अच्छा लेवल हम लोग को दिखाएगा, फिर यहाँ पे बायर्स रुकेंगे नहीं और एक बार फिर से अच्छे क्वांटिटी में माल लेके जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे एक चीज़ और मान लेते हैं कि यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है इस बीच में, ठीक है, 2800 के आसपास, तो याद रखेंगे 2800 के आसपास होगा तो किसी ना किसी तरीके से सपोर्ट के आसपास होगा, तो सपोर्ट के आसपास होने से थोड़ा सा नीचे जाके फिर से ऊपर की ओर आ सकता है और इसी बीच में क्लोजिंग दे सकता है। इससे ज़्यादा नीचे ओपन क्लोजिंग हो रहा है, ठीक है, इन लेवल्स के आसपास, तो हो सकता है जो लोगों ने यहाँ पे माल उठाया वो एक तरीके से ट्रैप हो जाए और डर के अपना माल यहाँ पे बेच के निकले तो थोड़ा सा हम लोग को सेलिंग देखने को मिले स्टार्टिंग में, फिर से जाके क्लोजिंग कहीं ना कहीं वो ऊपर की ओर दे दे। गैप अप ओपनिंग होता है इन लेवल्स के आसपास तो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट देता है तो हो सकता है एक अच्छा मोमेंटम 3000 तक का हम लोग को देखने को मिले। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर, पसंद आई हुई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी डिसीजन लेने के पहले खुद के अंदर से जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।